जनाब ये रास्ते में हमें नज़र आए हैं कीनू के बागात, और काफ़ी बड़े ये बागात हैं। ये इधर नहर भी बह रही है बहुत अच्छी सी, और कीनू बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं। थोड़ा सा आगे चल के जी, ये छोटी सी नहर बनाई हुई है उन्होंने, एक कनाल क्या कहलाता है ये, और ये कीनू के बागात हैं। ये कीनू लगे हुए हैं इसके अंदर, ये कीनू लगे हुए हैं माशाल्लाह। कीनू लगे हुए बहुत अच्छा शानदार बागात हैं ये, बहुत बड़ा सेटअप है ये कीनू के बागात का। आम के तरफ भी लगे हुए हैं, बहुत शानदार। पाकिस्तान में कमी नहीं है जी इन चीज़ों की, लेकिन समझ नहीं आता कि शहर तक पहुँचते पहुँचते इनके रेट्स कहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी, ये एक छोटा सा एरिया है, और इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे कीनू के बागात हैं और आम के बागात हैं। ठीक है, ये देखो बेहतरीन, ये आग भी लगाई है यहाँ पर, और ये बेहतरीन किस्म के बागात हैं, बेहतरीन बागात। चले ये वापस चलते हैं, देख लिया ये नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे के करीब ही है मकान। ये मेरे पीछे व्यू देखें आप कितने खूबसूरत, कराची वाले इस तरह के व्यू को तरसते हैं। ज़बरदस्त इन्होंने सरसों के बागात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, और लाहौर की ये सर्द कमले के मौसम है इस वक्त, और मेरे ख्याल अभी सुबह का मैंने चेक किया था, तकरीबन 7 सेंटीग्रेड है यहाँ की जो सर्दी है, और लाहौर की जो सड़कें हैं इस वक्त थोड़ी वीरानगी का नज़र पेश कर रही है। सुबह के 9 बजे हैं, और अभी हम नाश्ते की तलाश में हैं, देखते हैं नाश्ता कहाँ से मिलता है हमें, मालूम देते हैं ज़रा। ये लक्ष्मी चौक है, यहाँ सामने बट कढ़ाई भी मौजूद है, जो कि लाहौर की बहुत ही मशहूर बट कढ़ाई है। ये सामने मुन्ना दाल चने दाल चावल, इसी तरह के नाश्ते होते हैं सुबह में लाहौर में ज़्यादातर। तो देखते हैं हम यहाँ पर कोई इस तरह का नाश्ता मिल जाए जो हमारे लिहाज से ठीक हो, क्योंकि कराची में ज़्यादातर पराठा चना हलवा पूरी ये खाया जाता है, तो हम तलाश में हैं हलवा पूरी की, तो शायद मिल जाए हमें। ये लाहौर की मेट्रो बस सर्विस पूरी आप देख रहे हैं कि ट्रैक पूरा बना हुआ है, जो चल रहा है। अच्छा जी, हमने सुना था ये मुन्ना चना जो है, चने और दाल चावल, ये ज़रा मशहूर है लक्ष्मी चौक पे, तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अभी। मैंने ऑर्डर किया है चने और कुलचे, हाँ मुर्ग चना और
कुलचे मैंने ऑर्डर किए हैं, अभी ये ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, फिर बताते हैं आपको उसका टेस्ट। ये मीठे चावल हैं, ये गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले चावल, वाह। जबरदस्त अड्डा तो है ये, माशाल्लाह बहुत अच्छा आ गया है। जी नाश्ता आ गया हमारा, अभी ये नाश्ता चेक करते हैं। ये हमने कुलचे के साथ ये लगाना है, गरम गरम चना और अंडा। अच्छा जाएगा माशाल्लाह। और इस सर्दी के अंदर जो है वो चना और अंडा के साथ खाने का बड़ा मज़ा आया। गरम गरम कुलचा, गरम गरम अंडा और चना, वाह जी। लाहौरी नाश्ता जो है ना वो करने का अलग ही मज़ा है। जी नाश्ता तो हमने कर लिया है और अच्छा नाश्ता था, लाहौरी नाश्ता जो सुबह सुबह मैंने देखा है कि तकरीबन 7 बजे से लोग यहाँ पर मौजूद थे और नाश्ता कर रहे थे। और अभी मैं यहाँ पर नाश्ता करके फारिग हो गया हूँ, अब ज़रा जाऊँ हलवा पूरी की तरफ, थोड़ा सा जाके हलवा पूरी भी चेक करें। आइए जी, आपने बट की कढ़ाई तो सुनी होगी, अभी बस स्वीट्स भी देख लीजिए। यहाँ पर हलवा पूरी मिल रही है और अभी मैं हलवा पूरी पार्सल लूँगा अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिली जो है वो बाहर सर्दी की वजह से बाहर नहीं आए। तो मैं ज़रा यहाँ सामने से टोकन लेता हूँ, ये टोकन मिल रहा है और वो सामने हलवा पूरी लग रही है बट की। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये पूरी कितने की है? बस 20 रुपये की, 30 रुपये की है। तो 5 पूरियाँ दे दें, 150। और हलवा? हलवा साथ ही मिलेगा, साथ मिल जाएगा उसके, ठीक है। चने मिलेंगे साथ? सब कुछ साथ ही। टोटल कितना हो गया? 150। जी चलते हैं अभी हम पार्सल के लिए, ये सामने से ये जी पूरियाँ लग रही हैं। बट पूरी है जी, ये बिलाखिर मैं कामयाब हो गया हूँ हलवा पूरी लेने में। कराची में भी इसी तरह रश होता है और इसी तरीके से लोग लाइन लगा के हलवा पूरी ले रहे होते हैं, बहुत टाइम लग गया होते हैं यहाँ पे, तकरीबन आधा घंटा लग गया है। तो अभी चलते हैं होटल की तरफ।